सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, मैं हूं पूजा और हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राज्य मंत्री हरियाणा के कृष्ण बेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर नगर निगम चुनाव हुए हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगी कि पांचों मेयर बीजेपी से आए हैं, आपकी पार्टी से आए हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी इन पर आपका क्या कुछ कहना है। सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से जिन दर्शक साथियों से जुड़ा हूं, आपकी और आपकी टीम को और सभी दर्शक साथियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आभार प्रकट करता हूं हरियाणा प्रदेश के बहुत ही जी सूझवान समझदार मतदाता बंधुओं का, जिन्होंने जी लगभग 4 साल के माननीय मनोहर जी के कार्यकाल के अंदर जो विकास के कार्य हुए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का उन्होंने काम किया जी, भाई भतीजावाद क्षेत्रवाद को उन्होंने हरियाणा से जड़मूल से खत्म करने का काम किया जी, और उस काम करने पर माने मुख्यमंत्री जी को हरियाणा की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। 5 की 5 मेयर की सीटें, चाहे वो हिसार है, चाहे वो रोहतक है, चाहे पानीपत है, यमुनानगर है, करनाल है, वहां से भारी बहुमत से बीजेपी के कार्यकर्ता, जो स्वर्ण परिवार के कार्यकर्ता थे, उनको जिताकर हरियाणा की स्थानीय प्रशासन का जो सेवा का काम है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को सौंपने का काम किया। इसके लिए मैं अपनी ओर से हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी की ओर से सभी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जी यहाँ पर पहली बार मेयर के प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए थे और इसमें जो है बीजेपी को जीत मिली, लेकिन पार्षदों की अगर बात करते हैं, पार्षद उतने नहीं चुने गए, उतना अच्छा परफॉर्म उस लेवल पर बीजेपी नहीं कर पाई, आप क्या मानते हैं इस बारे में? नहीं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये हरियाणा में पहली बार एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत यदि की तो मनोहर जी की सरकार ने की, मनोहर लाल जी ने की। इससे पहले इनडायरेक्ट वे से चुनाव होते थे और इनडायरेक्ट वे से चुनाव होने के बाद जो परिस्थितियां बनती थी, जिस प्रकार का हरियाणा में ट्रेंड रहा राजनीति का, किस प्रकार से चुने हुए जनप्रतिनिधियों की हॉर्स ट्रेडिंग लोग करते थे, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग थे चाहे विपक्ष के लोग थे, हमने एक नई परंपरा को जन्म देने का काम किया और नई परंपरा को जन्म ही नहीं दिया, हमने हरियाणा के अंदर एक ऐसा माइलस्टोन स्थापित करने का काम किया कि लोग अपने मेयर का सीधे सीधे चुनाव कर सके और पार्षदों के साथ और मेयर की टीम को साथ मिलाकर वो विकास के गति को आगे बढ़ाने का काम करे। पहले हर प्रकार से मेयर एक कठपुतली हुआ करता था पार्षदों की, जो डेमोक्रेसी के अंदर अच्छा सिस्टम नहीं था। हमारे पड़ोसी राज्य चाहे राजस्थान है, चाहे दिल्ली है, चाहे अपना उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और वहां पर सभी पर डायरेक्ट वे से चुनाव किए जाते थे। हमने भी उसी परंपरा का निर्वहन हरियाणा में पहली बार करने का काम किया और मुझे इस बात की खुशी है हरियाणा के मतदाताओं ने बड़े उत्साह के साथ मेयर के चुनाव में मतदान भी किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों पर भी मोहर लगाने का काम किया। रही बात पार्षद कम जीत किया है, परंतु मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि चुनाव ही बीजेपी लड़ रही थी और तो कोई लड़ ही नहीं रहा था जी, इसमें कम ज्यादा का तो कहीं मतलब ही नहीं होता। और जो लोग आप जिन लोगों ने दांव खेलने का काम किया, अपने आप को स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा गठजोड़ किया, सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया, उनको किस प्रकार की हालत हो, ये सवाल तो आपने उनसे पूछना चाहिए। आप लोगों ने इतने लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के पद पर रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अभी 4 साल पहले मुख्यमंत्री थे, कुलदीप बिश्नोई के स्वर्गीय पिताजी चौधरी भजनलाल जी सबसे लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री, अभय सिंह के पिताजी श्रीमान ओम प्रकाश चौटाला जी, उनके दादा श्री स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी भी हरियाणा में लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे। उन सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवारों ने हरियाणा के अंदर इन मेयर के पदों पर चुनाव में अपनी ताकत आजमाने का काम किया, परंतु जनता ने मनोहर जी की ईमानदारी की नीतियां, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन, भाई भतीजावाद क्षेत्रवाद और परिवारवाद से हरियाणा की जनता की मुक्ति दिलाने के काम की सराहना की और मनोहर जी को आशीर्वाद देकर हमारे पांचों के पांचों मेयर जिताकर यहाँ पर हमें आशीर्वाद और समर्थन देने का काम किया है। जी यहाँ पर एक और आरोप लगाया है जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुड्डा जी, उन्होंने ये कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से जीते हैं आप लोग, इस बारे में क्या कहेंगे? इस तरह का आरोप लगाया गया है।
आज जिस प्रकार की परिस्थिति हरियाणा प्रदेश के अंदर और पिछले 4 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसकी टीम को उनके केंद्रीय नेतृत्व ने साइडलाइन किया, कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उसकी टीम की कहीं पूछ नहीं है। आज वो पिछले 3 साल से लगातार राहुल गांधी जी को धमकियां दे रहे हैं कि या तो अशोक तंवर को बदल दो और कमान मेरे हाथ में दे दो, नहीं तो मैं नया राजनीतिक दल बनाऊंगा, मैं कांग्रेस में बगावत करूंगा। परंतु देश के और प्रदेश के उनके नेतृत्व ने उसको किसी प्रकार से भाव नहीं दिया। आज वो एक साइडलाइन और अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और जब आदमी किसी डिप्रेशन में होता है, किसी मानसिक दबाव में होता है या तनाव में होता है, वो किस प्रकार के आरोप लगा सकता है, इसका मैं जवाब देना नहीं चाहता। परंतु उन्होंने ईवीएम पर आरोप लगाया। आज केंद्रीय चुनाव आयुक्त ने बड़े स्पष्ट शब्दों में मीडिया के सामने एक बात रखी, और बात क्या रखी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नहीं, कांग्रेस के लोग या अन्य पार्टियों के लोगों ने ईवीएम के ऊपर शक डाउट जाहिर करके उसको फुटबॉल बनाने का काम किया। लोकतंत्र के अंदर ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। परंतु मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बात का एक जवाब देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के अंदर ईवीएम ठीक, मध्य प्रदेश के अंदर ईवीएम ठीक, राजस्थान के अंदर ईवीएम ठीक, तेलंगाना में कांग्रेस हार गई, ईवीएम खराब, और आज 5 मेयर की सीटों पर कांग्रेस हार गई तो ईवीएम खराब। तो हम ये कौन सी दोहरी राजनीति कर रहे हैं? यदि इनको डाउट था तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान की ईवीएम पर भी डाउट करना चाहिए। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इन लोगों के पास, ये जनता के उपेक्षित लोग हैं, इस प्रकार के कुकर्म इन लोगों ने अपने राजपाट में किए, गरीब बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां बेचने का काम किया, भोले भाले किसानों की मेज कीमती जमीनें लूट कर एक परिवार के घर भरने का काम किया, इन लोगों ने किस प्रकार से क्षेत्रवाद किया, पूरे हरियाणा का सारा विकास का पैसा एक क्षेत्र में लगाकर, नौकरियों में लगाकर, एक हिस्से को देकर किस प्रकार से जाति पाति की राजनीति करी, और पिछले दिनों तो हरियाणा के अंदर किस प्रकार का नंगा नाच करके पूरे हरियाणा को जलाने का काम किया। और जिस रोहतक को इन्होंने अपने हाथों से जलाया था, उस रोहतक ने इनको तिल तिल जलने के लिए मजबूर कर दिया। ये राजनीति का रोहतक के लोगों को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये श्राप है कि जिंदगी के अंदर कभी भी इसको खुशियां नहीं मिलेंगी। ये ऐसे ही तिल तिल करके जिसने मजदूरों और किसानों के, छोटे दुकानदारों के, व्यापारियों को, घरों को और उनके प्रस्थानों को जलाने का काम किया था, ये भी ऐसे ही तिल तिल करके जलेगा। ईवीएम का दोष देने की जरूरत नहीं है, दोष तो उनको अपने कर्मों का देना चाहिए, जो राज्य में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए और विपक्ष में रहते हुए हरियाणा को किस प्रकार से इन लोगों ने तहस नहस किया, उसकी सजा इन लोगों को मिल रही है। जी, जिस तरीके की बात आप कह रहे हैं कि जाति पाति की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर जात पात की बात करें तो अभी जो इलेक्शन हुए हैं नगर निगम के, उस दौरान खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं पंजाबी हूँ और मुझे इसलिए आपका वोट चाहिए, इसके बारे में क्या कुछ कहना है? यहाँ पर भी बहुत आरोप लगा, क्योंकि आपने अगर देखा होगा हमारे चैनल पर भी जो इलेक्शन वाले दिन डिबेट हुई है उसमें आरोप यही लगा है एक मुख्यमंत्री के बयान पर। मैं आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में एक बात कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कहा करते थे, भाई मुख्यमंत्री बाद में हूं, जाट पहले हूं। मुख्यमंत्री जी ने मात्र एक संदर्भ में एक उदाहरण दिया था, एक संदर्भ में उदाहरण दिया था, और उदाहरण की बात को यदि कोई इस प्रकार से इंटरप्रेट करने का काम करता है वो गलत है। हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ना तो आज तक जाति पाति की बात की, ना कभी वो करेंगे। उन्होंने तो हरियाणा को हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे से आगे सुसज्जित करने का काम किया। यहाँ पर जाति पाति का जो जहर घुला हुआ था उसको ठीक करने का काम किया। मैं आपके माध्यम से लोगों के बीच में ये बात रखना चाहता हूँ, आरोप लगाने के लिए, केवल मुख्यमंत्री जी की बात के ऊपर आरोप लगाने के लिए विपक्षी लोग आरोप लगा रहे हैं, जबकि कोई ऐसी बात नहीं है। आरोप तो इस प्रकार का भी लगाते थे पिछले विधानसभा सेशन के अंदर, अभय सिंह चौटाला सेशन में खड़े होकर बयान दे रहे थे, कहा जिस बार आप वोट मांगने के लिए गांव में जाओगे या शहर में जाओगे लोग आपको घुसने नहीं देंगे। परंतु आज जिस प्रकार के रिजल्ट आए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी और सारे लोगों के, इनके जो कैंडिडेट हैं, पता नहीं 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे आए हैं, उनकी क्या हालत हुई है, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आज हरियाणा के अंदर विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, और जो विपक्ष है उसके पास कोई रचनात्मक बात नहीं है। हरियाणा के किसान की बात नहीं है, हरियाणा के मजदूर की बात नहीं है, हरियाणा के व्यापारी की बात नहीं है, हरियाणा के कर्मचारी की बात नहीं है, केवल अपने अपनी रियासतों को बचाने में लगे हुए हैं। और जिस प्रकार से इनके कुटुंबों के अंदर फूट पड़ी है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चाहे अभय सिंह चौटाला है, वो नाच, नंगा नाच दुनिया देख रही है। किस प्रकार से पारिवारिक लोग इन लोगों पर आक्षेप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, मैं तो आपके सामने कह भी नहीं सकता जिस प्रकार के पारिवारिक लोगों ने इन पर आरोप लगाए। जी, नौकरियों की भी बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में एक आरटीआई से खुलासा हुआ है, मैं आपको बता दूं कि 15 डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 15,21,000 अनएम्प्लॉयमेंट लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन करवाया,
और पिछले 4 साल में सिर्फ 647 लोगों को नौकरी दी गई है, जबकि वादा था कि हर बेरोजगार को नौकरी मिलेगी आपकी सरकार आने पर। 4 साल बीत गए हैं, आगे चुनाव है अगले साल, क्या आप अपना ये वादा पूरा कर पाएंगे? बाकी का मैं आपके एक चीज में करेक्शन कराना चाहता हूं, ये रजिस्ट्रेशन कहां पे हुआ, किसने किया? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। और आपके आपके पास आंकड़ा कहां से आया? ये आरटीआई से खुलासा हुआ है और उसके उसके जरिए ही आया है। हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देने का, हरियाणा के अंदर नौकरी देने के 3 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जी, जो ग्रुप डी और ग्रुप थ्री, ग्रुप बी और ग्रुप सी जी के कर्मचारियों को वो अपने कमीशन के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट करके उन लोगों को भर्ती करने का काम जी। दूसरा है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जी, और तीसरा हमारे जितने भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे जितने सेल्फ संस्थाएं हैं, वो अपने तरीके से रोजगार एम्प्लॉयमेंट सृजन करते हैं जी। परंतु अब आप बात करते हो, एक तरफ तो आप बात कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स की, दूसरी बात करते हो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। आप स्टाफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए ना कि हरियाणा के कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा यदि कोई रोजगार देने वाली सरकार है, सबसे ज्यादा यदि ईमानदारी से रोजगार देने वाली सरकार है, यदि सबसे ज्यादा कोई पारदर्शिता के साथ रोजगार देने वाली सरकार है, और यदि सबसे ज्यादा योग्यता के आधार पर रोजगार देने वाली सरकार है, तो मनोहर जी की सरकार है। हमने कोई परिवारवाद, जातिवाद और छात्र क्षेत्रवाद के नाम पर नौकरी नहीं दी। पहले सरकारें हुआ करती थी, तेजा खेड़ा की सरकार हुआ करती थी जी। कोई सरसा की सरकार हुआ करती थी, कोई तोसाम की सरकार हुआ करती थी, कोई आदमपुर की सरकार हुआ करती थी, कोई किलोई और झज्जर की सरकार हुआ करती थी। ये पहली मनोहर जी की सरकार है जो संपूर्ण हरियाणा की सरकार है, और आज प्रत्येक हरियाणा वासी सरकार को अपनी सरकार मानता है। मैं आप लोगों को याद कराना चाहता हूँ, वो टाइम भूल गए लोग जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग कहा करते थे, भाई सांगी किलोई का सू कौन टिकट कटंदा, अरे कोई केले खा लेता था रेडी वाले, कहा करता था ताऊ देगा पैसे। तो ये बताइए कि जो ये अलाउंस दिया गया है 3.32 करोड़ का, जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया गया है, वो किसको दिया गया फिर जब सबको नौकरी मिल गई है? तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, ये आरटीआई एक्टिविस्ट है सुभाष, रोहतक बेस्ड है, उन्होंने आरटीआई डाली थी। मैं इनकी आरटीआई का आपको रिप्लाई भी बता देती हूँ कि 2.02 लाख यूथ वर रजिस्टर्ड इन रोहतक फ्रॉम अक्टूबर 1st 2014 टू मेनी May 2018, but none of them got a job during this period, and 10,835 eligible unemployed youth were given unemployment allowance totaling 3.32 crores. जी, अब बोलिए। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी जी। ये आंकड़े कहाँ से आए आपके पास? RTI वाले ने RTI मांग लिया और आपके पास आंकड़े आ गए, परंतु कभी आपने इन लोगों इसको पढ़ने की कोशिश की? हमने जो सक्षम के युवा रोजगार हैं, कितने लोगों को रोजगार दिया है? आप बता दीजिए, हमने बेरोजगारी भत्ता या सुनो, हाँ मैं बता रहा जी जी, आई एम टेलिंग टू यू, लिसन मी जस्ट, जी 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 जी, प्लीज बता रहा हूँ आपको, प्लीज प्लीज जी, मैं आपको बता रहा हूँ। सक्षम के अंदर जिन लोगों को हमने बेरोजगारी भत्ता देना था या 100 घंटे रोजगार देना था, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया और उन लोगों को 100 घंटे काम के लिए हमने आमंत्रित किया। उनमें से कितने लोगों ने ज्वाइन किया, नहीं किया, ये वो आंकड़ा आप दे रहे हो, परंतु हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से रोज लिस्टें आ रही है, वो आपने कभी स्टडी की? वो कोई दूसरे प्रदेश की थोड़ी है, वो भी तो हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चे ही रोजगार ले रहे हैं जी। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कितने लोगों को रोजगार दिया गया? मेरा तो आखिरी बस इतना छोटा सा सवाल है, ब्रेक पे जाना, उससे पहले मेरा यही सवाल है, कितने लोगों को नौकरी दी गई? माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले विधानसभा सेशन के अंदर 3 साल का लेखा जोखा विधानसभा पटल पे रखा था। पिछले 10 साल की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, पिछले 5 साल की सरकार श्रीमान ओम प्रकाश चौटाला की, उससे पिछले 3.5 साल की सरकार चौधरी स्वर्गीय बंसी लाल जी की, तीनों का कंपैरिजन करने के बाद पिछले 20 साल के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार यदि दिया है तो मनोहर जी की सरकार ने दिया है, और उसके 1 साल के बाद तो आंकड़ा कहीं आगे चला गया जी। कर्ज माफी का मुद्दा जो है एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है देश में, जहां जहां कांग्रेस की सरकार आई है वहां वहां पर कर्ज माफी हो रही है, क्या ऐसे में आप अपने ऊपर प्रेशर महसूस करते हैं?
देखिए मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर आज तक सबसे ज्यादा राज किसने की, कौन सी पार्टी ने किया? आज यदि किसान कर्जाई है वो कह रहे हैं, तो किसानों को कर्जाई करने का काम किसने किया? पहली बार देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी, जो 18% ब्याज से घटाकर जिसने 7.5% किसानों को ऋण देने का काम किया, उसके बाद 4% तक भी लेकर यदि आने वाली कोई सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। ये जो फसली ऋण है 6 महीने के लिए हैं, टेम्परेरी तौर पर दिए जाते हैं किसान की फसल उगाने के लिए, उसके पेस्टिसाइड के लिए, उसके लिए उसके फर्टिलाइजर के लिए, उसके बीज खरीद के लिए, ये केवल उस प्रकार का एक ढोंग रच के कांग्रेस वाह वाही लूटना चाहती है। परंतु अभी मैं ज़्यादा इस विस्तार से इसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि नई नई सरकार बनी है और डेमोक्रेसी के अंदर जब सरकार कोई नई बनती है उसके ऊपर ज़्यादा टिका टिप्पणी करनी लोकतंत्र में कोई अच्छी स्वस्थ परंपराएं नहीं है। अभी वो काम करेंगे, उनके रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव तक अभी आप उनको काम करने दीजिए, लोकसभा चुनाव के अंदर सभी को पता लग जाएगा कि ये लोग कितना कर्जा माफी करने वाले लोग हैं। आज ये कांग्रेस के लोग बिना बेवजह टसुए बहाकर अपने आप को ये किसान हितैषी दिखाना चाहते हैं। परंतु सबसे ज़्यादा भूमि अधिग्रहण किसके राज में हुआ, सबसे ज़्यादा किसानों की जमीन लूटने का काम किसके राज के अंदर हुआ? हमारी सरकार ने तो पूरे 4.25 साल के अंदर 1 इंच जमीन भी हमने अधिग्रहण नहीं की। जो भी व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अनुसार हमने काम करने का काम किया। आज CLU के नाम पर आज किसान अपने आप को राहत महसूस करता है, व्यापारी महसूस करता है। इनकी सरकारों में तो CLU के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए के लेन देन हुआ करते थे। वो सारी घटनाएं आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है कि इस प्रकार से ये लोग ब्लैक मार्केटिंग और बड़े बड़े बिल्डर्स के हाथों में हरियाणा इन्होंने गिरवी रखा था, वो भी आपसे छुपी हुई बात नहीं है। पर वो प्रतिदिन आपके चैनल पर आते भी होंगे, वो लोग आपके पत्रकार टीम के लोग उनसे कवरेज करने के भी ले जाते होंगे, डाइव बाइट करने के लिए जाते। उनसे पूछना जरा कांग्रेसियों से कि उनके टाइम में किस प्रकार से भूमियों के घोटाले हुए हैं, किस प्रकार से किसानों को लूटने का इन लोगों ने काम किया। आज यदि किसान को राहत देने की बड़ी कोई सरकार है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार। यूरिया की स्थिति सुधारने का काम किसने किया? मोदी जी की सरकार ने किया। फर्टिलाइजर की स्थिति सुधारने का काम किया तो किसने किया? मोदी जी की सरकार ने किया। 1.5 गुना किसानों को फसल के रेट देकर किसान की हालत ठीक करने का काम करने वाली कोई सरकार है तो मोदी जी और मनोहर जी की सरकार है। सबसे ज्यादा मुआवजा देने वाली, किसानों को खराब फसल का देने वाली कोई सरकार है तो हमारी सरकार है। इसलिए अभी वो नई नई सरकार बनी है, उनके ऊपर ज्यादा टिकट टिप्पणी करने में उचित नहीं समझता। कुछ दिनों में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जी, यहाँ पर 2 मुद्दे होते हैं हरियाणा में सबसे ज्यादा। एक तो हमने बात की है किसानों की, किसान आए दिन आंदोलन करते हैं, दूसरे कर्मचारी संगठन करते हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहना है? उनका कहना होता है समान पद समान वेतन, इस तरह की बातें होती हैं, उनकी बहुत सारी मांगे होती हैं। आए दिन रोडवेज की बात करें चक्का जाम होता है, तो इन पर एक सोल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा है? देखिए मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। हरियाणा के कर्मचारी इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपके सामने हैं, कुछ छुपी बातें नहीं है। परंतु सबसे ज्यादा राहत देने वाली सरकार कौन सी है? कोई कर्मचारी संगठन का नेता आपसे बात करे उससे पूछ लेना। जो हमने 7th पे स्केल 1 जनवरी 2016 से एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेशन हरियाणा में करने का काम किया तो हमने किया। केवल सरकार के कर्मचारियों का नहीं किया, जितने बोर्ड और निगम थे उनको भी देने का काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये आंदोलन सिर्फ इस बात के लिए किया करते थे 2.5-2.5 साल तक, 3-3 साल तक पिछली सरकारों में जो भी पे स्केल आता था पिछली सरकारों ने कभी इन टाइम देने का काम नहीं किया। वो तो पिछली सरकारों के लोग तो बताते हैं हमें, आप लोगों ने तो इन टाइम देकर कर्मचारियों को जी बहुत बड़ा काम किया। और कर्मचारी जब हमारे सामने बैठते हैं वो आपके सामने नहीं बोलेंगे, मीडिया में नहीं बोलेंगे, वो विपक्ष के हाथों में भी नहीं बोलेंगे, परंतु जब व्यक्तिगत हमसे मिलते हैं तो वो कहते हैं सबसे बड़ी राहत देने वाली को कर्मचारियों को सरकार है तो मनोहर जी की सरकार है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर की स्थिति को सुधारने किसने काम किया? ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की 8100 रुपए से सीधी 10,000 रुपए तनख्वाह, 1900 रुपए का इजाफा करने वाली सरकार मनोहर जी की सरकार। चलिए हम उम्मीद करते हैं जिस तरीके के आप दावे कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हाल फिलहाल की बात करें तो आए दिन इस तरह के हमें आंदोलन देखने को मिलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के वादे आपने लोगों से किए थे उन्हें पूरा करेंगे और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उसकी तस्वीर साफ हो।
होगी। फिलहाल कृष्ण बेदी जी वक्त बहुत कम है, चर्चा को हम आगे बढ़ाना चाह रहे थे लेकिन वक्त बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको कि आपने MH1 न्यूज को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल हमारी इस विशेष पेशकश में अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।